الحمد لله رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیر زادہ مسعود احمد حمدانی علم بردار اوراد خان مرکز اسلامیہ بقعہ اہلیہ خانقاہ مولیٰ سری نگر آج ہم مرکز اسلام بقعہ اہلیہ خانقاہ مولیٰ میں 656واں عرس مبارک بانی اسلام کشمیر سیدنا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی بڑی عقادت اور سے منا رہے ہیں یہ عرس مبارک کووڈ کی وجہ سے 3 سال کے بعد یہاں آج منا رہے ہیں لوگ 30 ماہ ذی قعدہ 1433 30 جون 2022 سے یہاں پر ایام مبارک شروع ہو گئے جوگ در جوگ آتے ہیں یہاں پر ہر روز نماز عصر کے بعد ختمات المعظمات مولود مسعود درود اذکار کی مجلس منعقد ہو رہی ہے انشاءاللہ 5 ذی الحج کو یہاں پر ختمات المعظمات مولود مسعود نماز مغرب کے بعد نماز عشاء تک ہوگا اور نماز عشاء ٹھیک 10:30 بجے ادا ہوگا اور اس دن رات بھر یہاں پر شب خوانی ہوگی جس میں ختمات المعظمات اوراد شریف اور درود اذکار کی رات بھر مجلس جاری رہے گی 6 ذی الحج 1443 6 جولائی 2022 کو 656واں عرس مبارک بنی اسلامی کشمیر حضرت امیر کبیر ہر زیارت گاہ میں ہر مسجد میں ہر خانقاہ میں تقریبیں ہو رہے ہیں سب سے بڑی تقریب مرکز اسلام بقعہ اہلیہ خانقاہ مولیٰ میں سری نگر میں ہوگی نماز ظہر ٹھیک اس دن 2:30 بجے ادا ہوگا 2:30 بجے کے بعد ختمات المعظمات
दरुद अजकार और अवराज शफिया की मजलिस होगी। नमाज जहर से पहले मीरवाइज मौलाना हमदानी यहाँ पर वाज़ तबलीग फरमाएंगे। शाह हमदान यहाँ पर 3 दफ़ा वारिद कश्मीर में हुए। उन्होंने हमें कश्मीर वादी कश्मीर के मुसलमानों को दीन इस्लाम के नूर से मुनवर कर दिया। उसने अपने साथ 714 सादात लाए, उनको वादी कश्मीर में जगह जगह डाला दीन इस्लाम की इशात करने के लिए। उन्होंने हमें खाली दीन इस्लाम ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने हमें कालीन बाफी, पेपर माशी, शाल बाफी, पश्मीन बाफी, हर चीज़ का हुनर देकर रोज़ी कमाने का भी सहारा दिया। हज़रत शाह हमदान के बाद उसके फर्जंदे शाहबाज लामकानी हज़रत मीर सईद मोहम्मद हमदानी ने अपने वालिद के बाद 22 साल कश्मीर में दीन इस्लाम की खदमत की। उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीद कर खानका तामीर किए, मस्जिदें तामीर किए। उसने ईद का 2 लाख जवाहर में खरीद कर 600 गेरान कनाल और वादी कश्मीर के मुसलमानों के लिए बड़े बड़े जमातें मनाने के लिए मजहबी उमूरात के लिए वाकफ़ कर दिए। उन्होंने 2 जवाहरात में यहाँ पर मलखा 606 कनाल खरीदा जो वादी कश्मीर के मुसलमानों के लिए मकबरे के लिए वाकफ़ कर दिए। उन्होंने अपने पैसे यहाँ निकालते क्योंकि वो शहजाद ज़ादे थे। वो शाह हमदान ईरान के एक हमदान में रहते थे, वहाँ से यहाँ पर आए। वो चीन, तिब्बत, बीर पंचाल, दूसरे शब पैदल सफ़र करके और हमें यहाँ दीन इस्लाम के नूर से मुनवर कर दिया। बाकी यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल इंतज़ाम हो गया। यहाँ पर तमाम इंतज़ामिया के एडमिनिस्ट्रेशन आ गई थी, उनको हरकत में लाया गया। म्यूनसिपलिटी, पुलिस, हेल्थ, हर एक अपनी अपनी तरफ से अपनी कामें अंजाम दे रहा है। मोहतरम, आपसे मेरा 1990 से आज तक वो अलम शरीफ बंद है और अकीदत मंदी में थोड़ा कमी देखी जा रही है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि 1990 से अलम मुबारक नहीं निकाल रहा है, वो बात नहीं। अलम मुबारक हम उस वक़्त निकाल रहे हैं जब यहाँ पर कहीं कहत आ जाएगा, वबा आ जाएगा या और कोई आफत होगी, उस वक़्त ये हम निकालते हैं। और इसमें किसी बड़े बुज़ुर्ग का इजाज़त होना चाहिए। 3 दिन हम यहाँ नफाइल करते हैं, नफाइल के बाद लोग इसके पीछे जाते हैं, हम ईद का ही ले जाते हैं। अलम मुबारक का आपने सवाल पूछा, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। और वो ले रहे हैं हम ईद का, वहाँ नफलात होते हैं, फिर वहाँ से शाम को लाते हैं। मगर इस वक्त कोविड की वजह से भी, और 90 की बात ही नहीं है, ये 63 में निकाला गया, उस वक्त मैं भी छोटा था। ये नहीं, मैं आप बोलते हैं 90 से नहीं, 63 या 64 में निकाला गया। उस दिन यहाँ बारिशें हो रहे थे, लोग कहते थे हम परेशान हो गए थे, फिर निकाला ये गए ईद का लेके गए। इसमें कोई शरतात भी होते हैं, मीरक साहब उस वक्त जिंदा थे, उसने इसमें इजाज़त दिया था, खून भी पड़ गया तो मगर खुदा ताला ने हमको यहाँ पर रहम करम किया। इस वक्त वो हालात नहीं है जब यहाँ पर वो कोई बुज़ुर्ग भी, मैं क्या कहूँगा आपको, वो तो मुखालफत हो, जो हमें इजाज़त देगा हम लेंगे ये इसको इंशाल्लाह। अगर होगा तो हम करेंगे, जब कोई कहत बाबा होगा ये उसके लिए निकालना है। क्या कहूँ, इस वक्त अब आप बोलेंगे कोविड के बारे में, कोविड ये आलमी दुनिया को, ये आलम मुबारक खारी वादी कश्मीर के मुसलमानों के लिए वाकफ़ रखा गया, क्योंकि ये इस वक्त आलम दुनिया में है। लिहाजा हमें आलम दुनिया को ही इस वक्त इस खुदा ताला से नफलात करने हैं। अगर यकीन की बात करें तो आज के जवानों से क्या आप, हम अपने जवानों से यही कहेंगे कि अपने बुजुर्गान दीन का मोहब्बत रखें, और क्योंकि ये कुरान है, हदीस है, आंजुर सल्लाह ने खुद फरमाया है कि जो मेरे अवलिया है वो मेरे है, जो मेरे अवलियों के नहीं है वो मेरे नहीं है। आंजुर सल्लाह के साथ जो मोहब्बत रखेगा उसको बहुत फ़ायदा। अगर हम आंजुर सल्लाह सुन ये हदीस मुबारक एक दुरूद पढ़ेंगे, 10 नेकियां माफ़ हो जाएंगे, 10 रहमतें हो जाएंगे, 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। शुक्रिया।